हेलो एवरीवन मैं हूं नमिता और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आप सबको अपने साथ ले जाने वाली हूं लखनऊ की एक बहुत फेमस मार्केट जिसका नाम है आलमबाग अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको पता ही होगा तो बेसिकली आलमबाग बहुत फेमस है कपड़ों के लिए होम डेकोर एवरीथिंग खाने के लिए भी बहुत फेमस है आलमबाग तो मैंने अपने आपको एक बजट दिया था वन थाउजेंड का तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी शॉपिंग की है सब वन के अंदर है तो मैंने क्या क्या सामान लिया है वो देखने के लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा अभी के लिए आई विल टेक यू ऑल अलॉन्ग विद मी टू आलमबाग तो हम आ गए हैं आलमबाग की मेन मार्केट में और यहाँ पर आपको क्लोथिंग और ज्वेलरी आइटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे पर उसके अलावा यहाँ पर आपको होम डेकोर के भी काफी सामान मिल जाएंगे यहाँ पर आपको इंडियन ज्वेलरीज और इंडियन वेयर के कलेक्शन मिल जाएंगे और आप यहाँ पर ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स है वो सारी फिक्स प्राइस ही होती है पर आपको यहाँ पर बार्गेनिंग कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ के जो प्राइसेज है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं यहाँ पर आपको लोअर टी शर्ट हंड्रेड रुपीज के मिल जाएंगे और कोर्स अगर लखनऊ है तो चिकनकारी का सामान तो होगा ही होगा सो दैट वाज इट अब चलते हैं हॉल की तरफ और अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आलमबाग से क्या क्या चीजें ली हैं तो मैंने पहली चीज जो आलमबाग से ली है वो ली है काफी सारी ज्वेलरी तो पहली चीज़ तो मैंने ये दोनों झुमके लिए हैं बहुत ही सुंदर है ये वाला तो बहुत ही सुंदर है ये थोड़ा बाली टाइप में है और ग्रीन कलर की जो ज्वेलरीज होती है ना ये काफी सारे आ, कलर्स के साथ चले जाते हैं ग्रीन कलर और सेकंड वाला ये ब्लैक कलर का है ये ऐसे टॉप्स वाले स्टाइल में है और इसमें भी ऐसे नीचे कुंदन वगैरह का, का काम है बहुत ही सुंदर लगता है तो ये दोनों दिखने में काफी हैवी लगते हैं पर ये येवी है नहीं ये काफी लाइट वेट है और ये दोनों मुझे हंड्रेड हंड्रेड के मिले हैं सो आई गॉट दिस टू फॉर टू हंड्रेड रुपीज उसके बाद जो मैंने दूसरी इयर ली है वो ये है ये भी बहुत लाइट वेट है और ये मुझे पचास रुपए की मिली है जब से ये आई है ना मैं काफी बार इसको पहन चुकी हूँ दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई गॉट सेकेंड नी थर्ड है ना वो हाँ तो ये जो मैंने फोर चीज लिया है ये इयर लिया है ये थोड़ा वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ जाता है ऐसे ट्विस्टेड से हैं और ये भी मुझे फिफ्टी रुपीज के ही मिले हैं ऐसे ना मैंने इंस्टाग्राम पेजेस पे बहुत सारे देखे थे ये मुझे आलमबाग में पचास रुपये का मिल गया सो दैट वॉज इट फॉर माई ईयर रिंग्स ये ईवल आई पेंडेंट लिया है बहुत सुंदर है ये ये ना एक्चुअली डबल लेयर वाला था जो इसकी दूसरी वाली पेंडेंट था वो बहुत बेकार था तो मैंने उसको हटाई दिया ये मुझे हंड्रेड रुपीज का मिला है और इसकी चेन भी अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है ये एकदम येलोइश गोल्डन जो होती है जो बहुत ही बेकार लगती है ये वैसी नहीं है ये बहुत ही लाइट गोल्डन सी है और अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ पहनने का बट But... अच्छा है आई लाइक इट उसके बाद फॉर क्लोदिंग मैंने एक शर्ट ली थी जिसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है तो आप वो देख सकते हो मिल नहीं रही है पर वो मुझे सौ रुपए की मिली थी उसके बाद मैंने कुछ घर के कपड़े लिए हैं क्योंकि मेरे पास लोअर वगैरह नहीं थे तो मैंने ये फर्स्ट ये शॉर्ट्स लिया है और ये मुझे टाई एंड डाई वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा और इस आउटफिट का जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि, कि इसमें पॉकेट्स भी हैं <laughs> उसके बाद जहां से मैंने ये शॉर्ट्स लिया था उसी सेम शॉप से मैंने ये एक लोअर भी लिया है और ये एकदम पेस्टल ब्लू कलर का है स्माइली वगैरह बने हुए हैं और ये भी मुझे सौ ही रुपए का मिला है और उसके बाद मैंने लास्ट में दो प्लाजो लिए हैं क्योंकि आजकल मेरे पास काफी सारे चिकनकारी कुर्ते हो गए हैं तो मुझे प्लाजो चाहिए होते हैं फर्स्ट इज दिस वन इसमें ऐसे हल्का हल्का क्रोशिया वाला काम हुआ है इसका बॉर्डर मुझे काफी पसंद आया और ये मुझे टू हंड्रेड रुपीज का मिला है उसके बाद सेकंड वन इज दिस ये बहुत सिंपल सा है प्लेन सा है ये मुझे हंड्रेड रुपीज का मिला है कॉटन का प्लेन सा ये कॉटन भी नहीं आई थिंक दिस इज रेयन जो रेन फेब्रिक होता है ये वो है वो तो अगर आप टोटल करोगे तो कुछ वन थाउजेंड के पास ही बनेगा मेरे एक हजार रुपए खत्म हो गए थे आई थिंक या मेरे पास पचास पचास रुपए बचे थे And yeah, so if you like this video, please like my video, subscribe to my channel, and share it with your friends. And I will see you next time. Bye.